आईपीएल 2022 चालू होते ही क्रिकेट सट्टा बाजार गर्म होते हुए दिखाई दिया। शुक्रवार को यूनिट 5 की टीम ने बेलतरोड़ी परिसर में एक फ्लैट में छापा मारकर एक आरोपी सहित 16,10,000 रुपयों का मद्देमाल जब्त किया है। आईपीएल मैच शुरू होने के साथ ही एक और खेल क्रिकेट के रोमांच के साथ शुरू हो जाता है। यह खेल है सट्टा बाजार का। सटोरी अलग अलग टीम के अलग अलग खिलाड़ियों, यहाँ तक कि कितने रन बनेंगे, किस बॉल पर कौन आउट होगा, बोल्ड होगा कि नहीं, क्या कैच आउट होगा, रन आउट कितने होंगे, जैसे तमाम क्रिकेट के बिंदुओं पर सट्टा बाजार में बड़े पैमाने पर दाव लगाते हैं। यह सब अवैध रूप से खेल खेला जाता है। शुक्रवार को बेलतरोड़ी परिसर में एक फ्लैट पर क्रिकेट मैच के ऊपर आरोपी कोलकाता वर्सेस हैदराबाद पर मोबाइल के द्वारा खाईवड़ी करते हुए मिले, जिसके बाद उन पर क्रिकेट जुगाड़ अंतर्गत गुनाह दर्ज किया गया। आयुक्त फुलारे साहब, आमचे डिटेक्शन गुन्हे चिन्मय पंडित साहब, तसेच आमचे ACP रोशन साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही केलेले आहे माझ्या नेतृत्वात। आणि यापुढेही आता हे IPL जोपर्यंत चालू आहे, तर आमचं टार्गेट आता स्थानिक जे बुके आहेत मोठे मासे, त्यांच्यावर आता आमचं क्राईम ब्रांचचं लक्ष आहे आणि आम्ही कारवाई करणार त्यांच्यावर। आणि जनतेला जर याबाबत काही माहिती असेल तर मी याद्वारे आवाहन करतो की त्यांनी आमच्याशी संपर्क करावा, नक्की कारवाई होईल। तो आरोपी नंबर एक आहे आपला हा सचिन इंदनकर, तर सचिन इंदनकरवर सेम 2016 असा क्रिकेट बेटिंगचा गुन्हा दाखल आहे नंदनवन पोलीस ठाण्यात, आणि तो सराहित आहे या क्षेत्रात। आणि हा तर हा याच्यात हा आरोपी आहे सचिन, हा याच्यातच व्यस्त आहे आणि त्याला थोडं फायनान्स पाहिजे होता म्हणून त्याने आरोपी नंबर 2 सोबत आता या मागील 4-5 महिन्यापासून पार्टनरशिप केलेली आहे असं तपासात सांगितलं आहे त्याने। इंडियन प्रीमियर लीग एक सुप्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट मैच है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें भारत समेत कई अन्य देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। IPL की हर एक टीम भारत के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी खाईवड़ी बहुत अधिक प्रमाण में पूरे भारत में होती है। इस मैच की सट्टाबाजारी रोकने के लिए पुलिस ने अपील की है। अगर ऐसा कहीं होते हुए दिखा तो पुलिस प्रशासन से संपर्क करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ स्वप्निल बुंदाड़े, BCN News, नागपुर।